नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। आज सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अगर किसी आंदोलन में पहुंचाया जाता है तो जो आयोजक हैं उनसे उसका जो है भुगतान लिया जाएगा, उनसे उसकी वसूली की जाएगी। ये बिल पेश हुआ है। आइए बात करते हैं, शमशेर सिंह गोगी असंत से कांग्रेस के विधायक मेरे साथ हैं। जनाब, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखो, ये लोकतंत्र की हत्या का बिल है। ये नहीं चाहते कि लोग अपनी बात जो है सड़क पर रखे। आज कर्मचारी भी रख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आज के दिन सड़कों पे हैं और किसान भी हैं। ये एक टाइमिंग ऐसी है कि इस किसान आंदोलन को और दूसरे लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए ये बिल लाया गया है। और इसमें आयोजकों की नहीं है बात, उकसाने वालों को भी लिखा है इंस्टिगेटर। कैसे तय करोगे आप कौन कौन इंस्टिगेटर है? सारी पब्लिक ही इंस्टिगेटर। आज तो ये जन आंदोलन बन गया तो क्या पूरे देश की जनता को अंदर कर दोगे? ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, ये लोकतंत्र मच्योर होना चाहिए था। ये उसको संवैधानिक हकों को लोगों के और संविधान के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कमज़ोर करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। और ये आरएसएस बीजेपी की जो लोग हैं, इनकी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ ऑलरेडी जो कानून है उनके तहत भी हम मुआवजा ले सकते हैं, उनसे कंपनसेट किया जा सकता है, लोगों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नए कानून की ज़रूरत क्या है? लेकिन एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं हम किसी टाइम भी उनको दबा सकते हैं। हम पूरे तानाशाह हैं, राजा हैं, हम लोकतांत्रिक हेड नहीं हैं। एक विश्व प्रस्ताव जो है मुख्यमंत्री लेकर आए कि अगर कोई राजनीतिक नेता का किसी का विरोध अगर होता है या सामाजिक समाज का कोई भी संगठन करता है तो उसकी निंदा का जो प्रस्ताव था कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया, उस पर क्या कहेंगे? देखो, गलत बात है। अगर कोई नेता का विरोध हो रहा है तो उसके अपने कर्मों से हो रहा है। अगर यहाँ पे एक विधायक ने बात रखी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसको अपनी भाषा पे अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। जो कुछ वो सदन में बोला लोगों ने लाइव उसको देखा और उसका विरोध हुआ, तो आप एक नेता कोई भी हो नेता उसका विरोध क्यों नहीं कर सकती जनता? फिर नेता बनने की क्या ज़रूरत है? नेता वोट लेके यहाँ जीत के आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा बन गया यहाँ का। उसका विरोध किया जा सकता है, वो तो टाइम और समय की बात है, उसके कर्मों का फल है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शमशेर सिंह गोगी थे और उन्होंने जिस तरीके से आज सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान को लेकर एक बिल आया है उसका भी उन्होंने एक हिसाब से विरोध किया और कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या जैसा दिखता है। मैं हूँ देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।